आज का जो टॉपिक है वो है मीडियन, कि मीडियन क्या होता है और हम इस मीडियन को कैसे फाइंड करते हैं। तो आप लोग को नाम से ही जैसा समझ में आ रहा है कि मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू ऑफ द डेटा। मिड वैल्यू ऑफ द डेटा, मिड वैल्यू क्या होती है यहाँ पे? जैसे हमारा एक क्लॉथ है, उस क्लॉथ को हमें टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो जो वो हम कट लगाते हैं टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, तो वो जो कट वाली, जो पार्टीशन वाली, जो वेरिएबल होगा उसको हम कहते हैं मीडियन। मीडियन का काम क्या होता है? किसी भी सीरीज को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और जो वेरिएबल उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है उस वेरिएबल को हम कहते हैं मीडियन। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है सीरीज़ के फॉर्म में, कि अगर आप सीरीज़ के फॉर्म में मीडियन को फाइंड करते हो तो आपकी जो सीरीज़ है वो एक पर्टिकुलर असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। अगर आपकी सीरीज़ डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो मिड वैल्यू को हम मीडियन नहीं कहेंगे। तो फर्स्ट जो मीडियन की डेफिनेशन सब लोग बताते हैं कि मिड वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द मीडियन, ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। कम्प्लीट डेफिनेशन ये है कि मीडियन इज़ अ मिडिल वैल्यू ऑफ अ ऑब्जर्वेशन बट आफ्टर अरेंजिंग द डेटा, आफ्टर अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशन इन अ फॉर्म ऑफ असेंडिंग और डिसेंडिंग। इट मीन्स पहले आप अपने ऑब्जर्वेशन को एक घटते क्रम में या फिर बढ़ते क्रम में लिखिए, और उसके बाद जो मिड वैल्यू है उसको हम कहते हैं मीडियन। मीडियन को बेसिकली हम जो डिनोट करते हैं वो MD से डिनोट करते हैं। इन अदर वर्ड मीडियन का डेफिनेशन ये भी है कि जो सीरीज़ होती है उस सीरीज़ को टू पार्ट्स में जो वेरिएबल डिवाइड करता है उसको हम कहते हैं मीडियन। तो मीडियन क्या करता है? किसी भी सीरीज़ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, तो उस वेरिएबल को हम मीडियन कहते हैं। एक और डेफिनेशन है मीडियन की, वो डेफिनेशन ये है कि किसी भी सीरीज़ में एक ऐसे वेरिएबल को हम मीडियन कहते हैं जिसमें अगर हम अबव पार्ट देखें या बिलो पार्ट देखें तो जो फ्रिक्वेंसीज का सम है वो इक्वल होता है। ऑब्वियसली अगर हम टू इक्वल पार्ट्स में किसी भी सीरीज़ को डिवाइड कर रहे हैं तो जो अबव पार्ट होगा वो लोअर पार्ट के इक्वल होगा, यानी अबव पार्ट की जो टोटल फ्रिक्वेंसी है वो लोअर पार्ट के बिलो की फ्रिक्वेंसी के इक्वल होगी, तो जो वेरिएबल है उसको हम क्या कहते हैं? मीडियन। तो मीडियन की बहुत सारी डेफिनेशन है, मोस्टली हम लोग मैथमेटिकल टर्म में मीडियन की डेफिनेशन फर्स्ट वाली यूज़ करते हैं, कि फर्स्टली आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, और उसके बाद जो मिडिल वैल्यू है उसको हम मीडियन कहते हैं। अब इस मीडियन को कैसे फाइंड आउट किया जाए? मीडियन को फाइंड करने के लिए एक ही मेथड है, इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए, डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए और कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ का मीडियन हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपको एक इंडिविजुअल सीरीज़ दी है, इंडिविजुअल सीरीज़ आपको पता ही है, हम लोगों ने अपने फर्स्ट लेक्चर में ही ये डिस्कस किया है कि इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज़ क्या होता है और कंटिन्यूस सीरीज़ क्या होता है। तो इंडिविजुअल सीरीज़ क्या है? आपको n वेरिएबल्स गिवन है, तो इन n वेरिएबल्स का मीडियन क्या होता है? वैल्यू ऑफ द मिडिल आइटम, वैल्यू ऑफ द मिडिल आइटम। हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे मैंने दो केस बना रखे हैं। नंबर वन केस है, फर्स्टली जो फर्स्ट कंडीशन है, आपको क्या करना है? आपको अपने डेटा को अरेंज करना है। जो भी आपको इंडिविजुअल सीरीज दी है उसको आप अरेंज कीजिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। देन आफ्टर सेकेंड स्टेप आप काउंट कीजिए डेटा को 1, 2, 3 करके, और फिर आप देखिए कि जो आपने डेटा को काउंट किया है वो ऑड है कि नहीं। अगर ऑड है तो मीडियन होता है n प्लस 1 टू टर्म वैल्यू, यानी वैल्यू ऑफ द n प्लस 1 अपॉन टू टर्म। ओके, एक एग्जांपल से मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करती हूँ। और सेकेंड केस है, अगर आपका नंबर ऑफ डेटा इवन है तो हम कैसे मीडियन फाइंड करें? तो स्टेप नंबर वन की तरफ बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? फर्स्टली अरेंज डेटा, देन आफ्टर काउंट डेटा, देन एन हमारा इवन है तो कुछ नहीं है। इवन के टाइम पे हमारा मीडियन क्या होता है कि
आपका n बाय टू टर्म पे वैल्यू, n अपॉन टू प्लस वन टर्म पे वैल्यू और उन दोनों का एवरेज. बेसिकली मीडियन का जो फॉर्मूला है वो आप हमेशा ये याद रखिए कि आफ्टर अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देन वैल्यू ऑफ द मिडिल आइटम. बस आप इतना याद रखिए. अगर आपको ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला याद नहीं होता है कोई बात नहीं, हम लोग इनके बगैर भी मीडियन को निकाल लेंगे. बट आप मीडियन की बेसिक डेफिनेशन याद रखिए कि मिड वैल्यू ऑफ आइटम इज कॉल्ड द मीडियन, बट फर्स्टली अरेंज द डेटा इन अ असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर. नेक्स्ट, कैसे हम मीडियन फाइंड करें किसी डिस्क्रीट सीरीज का? तो हम डिस्क्रीट सीरीज में हम लोगों को यहाँ पे एक डिस्क्रीट सीरीज गिवन होगी क्वेश्चन में. स्टेप वन, आपको चेक करना है डेटा आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है कि नहीं है. अगर आपका डेटा अरेंज है तो स्टेप फर्स्ट को आप इग्नोर कीजिए. अगर आपका डेटा अरेंज नहीं है तो फर्स्टली आप उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए. अरेंज करते टाइम एक बात का ध्यान रखना, अगर आप डेटा को अरेंज करना है तो उसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी भी अरेंज होगी, ठीक है. स्टेप नंबर टू, आप सम ऑफ फ्रिक्वेंसी फाइंड करेंगे, इट मीन्स कैपिटल एन, ओके. स्टेप नंबर थ्री, देन आप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करेंगे. आपको टोटल फ्रिक्वेंसी फाइंड करना ही आता है. F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 प्लस F3, आप टोटल फ्रिक्वेंसी फाइंड करेंगे. देन व्हाट इज मीडियन? द मीडियन इज वैल्यू ऑफ द n अपॉन टू टर्म, ओके, n अपॉन टू टर्म. इन अदर वर्ड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालते हैं ना, उस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में n अपॉन टू को चेक करते हैं. जो हमारा एक्सेड वाले में है वो क्लास हमारी मीडियन क्लास हो जाती है और उसके करस्पॉन्डिंग जो डेटा होता है उसको हम क्या कह देते हैं, मीडियन. एक बात का ध्यान रखना, अगर आपका n यानी सम ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑड है तो आप n बाय टू टर्म पे चेक करना. अगर n आपका इवन है तो आप n प्लस, ये रॉन्ग लिख दिया है, ये उल्टा है, ओके. अगर हमारा n इवन है देन यूज दिस फॉर्मूला, और अगर हमारा n ऑड है देन यूज दिस फॉर्मूला. इधर ठीक लिखा है, आप इधर से प्लीज ये इग्नोर कीजिए, ठीक है. तो मीडियन क्या है आपका? द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी एक्सेड इन क्लास. हम एग्जांपल से और ज़्यादा क्लियर करेंगे. थर्ड, अगर आपका डेटा ग्रुप सीरीज है, ग्रुप सीरीज का मीडियन कैसे निकालते हैं? स्टार्टिंग की स्टेप सेम है, जैसे डिस्क्रीट में आपकी स्टेप थी अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, बेसिकली वैसे ग्रुप डेटा है, क्लास इंटरवल है, कंटिन्यूस डेटा है, तो ये अरेंज होगा ही, ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप की नीड नहीं होती है अगर हमारा ग्रुप सीरीज होता है. सेकेंड, फाइंड द सम ऑफ फ्रिक्वेंसी, देन फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, देन आफ्टर सेलेक्ट द मीडियन क्लास, फाइंड द वैल्यू ऑफ n बाय टू और n प्लस 1 बाय टू. इफ द इवन देन n बाय टू, इफ ऑड देन n प्लस 1 बाय टू. आफ्टर सेलेक्टिंग द मीडियन क्लास देन यूज दिस फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मीडियन. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि हमेशा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कंटिन्यूस सीरीज के लिए ही पूछा जाता है. तो md इक्वल टू l प्लस n अपॉन 2 माइनस कैपिटल f अपॉन स्मॉल f इंटू i. वॉट इज l? L इज अ लोअर फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास. मीडियन क्लास में की जो लोअर फ्रिक्वेंसी है उसको हम L बोलते हैं. F क्या होता है? फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास. I इज द विड्थ ऑफ मीडियन क्लास. F इज अ टोटल फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रिसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास. ध्यान रखना, स्मॉल f फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास एंड कैपिटल F इज अ टोटल फ्रिक्वेंसी और accumulative फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रिसीडिंग ऑफ मॉडल क्लास. और इस फॉर्मूला में हम सिंपल वैल्यूज को पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं गेटिंग द मीडियन. एक बार आंसर जरूर चेक कर देना, मीडियन इज ऑलवेज लाइज इन मीडियन क्लास, ओके. तो फॉर्मूला को केयरफुली लिखना. मोस्टली स्टूडेंट क्या कर देते हैं, पूरा एलसीएम ले लेते हैं. तो प्लीज़ एल प्लस ये रेशियो वाला टर्म है, ओके. तो कैलकुलेशन केयरफुली करेंगे हम लोग. आप लोगों का ये जो मैंने आपको बता दिया, आपके इंडिविजुअल सीरीज के लिए ये वर्किंग स्टेप होते हैं, डिस्क्रीट सीरीज के लिए ये वर्किंग स्टेप है, ठीक है, और कंटिन्यूस के लिए ये है. तो प्लीज़ वर्किंग स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे क्वेश्चंस में. फर्स्टली दीज आर द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मीडियन.
Now first question, find the median for the following data. Here data is given. Here check, firstly this one is an individual series, आपकी ये individual series है. What is step number first? Step number first is firstly arrange the data in order. तो मैंने यहाँ पे आपका data को arrange कर दिया है 2, 4, 7, 9, 10. Step first is clear. Now count the data 1, 2, 3, 4, 5 and equals to 5 and 5 is what? Odd number. Okay? Odd number ना simple. अगर हम simple way में देखे जाएं तो ये mid value है. आपको clear समझ में आ रहा होगा. 5 है तो third जो term पे data होगा वही तो median होगा. But according to formula हम इसको कैसे find करें? तो we know that if n is odd, अगर n odd होता है तो value of the n plus 1 upon 2 term. तो n के प्लेस पे हमने 5 रखा, 5 plus 1 upon 2 is what? Third. तो value of the third term is 7. It means the median is 7. आप चाहो तो directly भी निकाल सकते हो. We know that here the odd numbers and mid value of data is called the median. But हमेशा ध्यान रखना, firstly data को arrange कर लेना. Student वही mistake करता है. Second, example number 2. Find the median for the following data. Here some datas are given. Now, step number 1 is what? Firstly, arrange the data. हमने data को एक particular form में arrange कर दिया है. मैंने यहाँ पे बढ़ते क्रम में arrange किया. आप चाहो तो घटते क्रम में भी कीजिए. Then after count the data. Step 2 is what? Count the data. After counting the data, 10. 10 is what? Even number. अब देखिए हम formula पे नहीं जाते. हम direct find करते हैं. Even number है. It means 5th or 6th. दो प्लेस इसके मीडियन है. अब मीडियन तो यूनिक होता है ना. आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, पीछे से भी 1, 2, 3, 4, यानी मिड पे कौन सा प्लेस आ रहा है? 5th और 6th. तो अब हम मीडियन तो यूनिक है, तो हम क्या करते हैं, इस 5th और 6th टर्म का एवरेज निकाल लेते हैं और वही हमारा क्या हो जाता है? मीडियन. लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला निकालना है. तो वी नो दैट इफ डेटा इज इवन, अगर डेटा आपका इवन नंबर है तो मीडियन का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ द एन अपॉन टू टर्म प्लस वैल्यू ऑफ द एन अपॉन टू प्लस वन टर्म. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एन, एन का वैल्यू पुट कीजिए 10 अपॉन 2, इट मीन्स 5th टर्म, वैल्यू ऑफ द 5th टर्म एंड वैल्यू ऑफ द 5th प्लस 1, इट मीन्स द 6th टर्म. और हमने यहाँ पे क्या किया, 5th और 6th टर्म का वैल्यू पुट किया. तो अगर हम डायरेक्टली भी निकालना चाहें तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें मीडियन का डेफिनेशन क्लियर है. ओके, नाउ दिस वन इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल प्रॉब्लम. हाउ टू फाइंड द मीडियन, हम देखेंगे कि ये डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो इसका मीडियन कैसे निकालता है. स्टेप्स को फॉलो करेंगे. स्टेप फर्स्ट इज अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ मेरा डेटा ऑलरेडी अरेंज है. अगर यहाँ पे डेटा अरेंज नहीं होता तो पहले मुझे डेटा को अरेंज करना पड़ता. हम डेटा को आगे पीछे लिख सकते हैं लेकिन ध्यान रखना उसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी को भी चेंज कर लेना. स्टेप फर्स्ट इज क्लियर. तो स्टेप फर्स्ट हम यहाँ पे इग्नोर करते हैं. क्यों? क्योंकि हमारा डेटा ऑलरेडी अरेंज है. स्टेप नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ फ्रिक्वेंसी. तो मैंने यहाँ पे सम ऑफ फ्रिक्वेंसी फाइंड किया है. यहाँ पे डेटा लिखा है, उसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी लिखी है और सम ऑफ फ्रिक्वेंसी फाइंड किया और सम ऑफ फ्रिक्वेंसी मेरा आया 161. स्टेप नंबर थ्री इज फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी. आप लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करना आता ही है. 22 प्लस 38 60, 60 प्लस 46 106, 106 प्लस 35 141, 141 प्लस 20 161. इट मीन्स आपका जो सम आया वो 161 आया. अब स्टेप नंबर फोर है हमारा कि ये नंबर इवन है कि ऑड है. ये ऑड है इसलिए मैं यहाँ पे n प्लस 1 अपॉन 2 निकाल रही हूँ. n प्लस 1 अपॉन 2 निकालिए, कितना आया? 81, है ना. 81 निकालने के बाद आप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखिए कि ये 81th क्लास कहाँ आएगी. 60 में तो आ नहीं सकती, तो हमें हमारी जो 81th क्लास आएगी वो 106 में आएगी. क्योंकि यहाँ पे जो हम क्या चेक करते हैं, मिड वैल्यू ऑफ डेटा ना. तो यहाँ पे जो मिड वैल्यू ऑफ डेटा है वो 22 प्लस 38 प्लस 46 यानी 106. तो ये 81 60 में तो आएगा नहीं, तो वो कहाँ आएगा? 81 106 में. तो ये मेरी हो गई मीडियन क्लास. और इस मीडियन क्लास के करस्पॉन्डिंग जो ये डेटा होगा
वो मेरा क्या कहलाएगा, मीडियन। तो बहुत सिंपल है, मैं एक बार रिपीट करती हूँ, आपको डेटा को अरेंज करना है, समीशन एफ निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है, सम को देखना है, इवन है तो एन बाय टू, ऑड है तो एन प्लस वन बाय टू, और उसके करिस्पॉन्डिंग आपको मीडियन क्लास को सिलेक्ट करना है, और उसके करिस्पॉन्डिंग जो डेटा होगा वही आपका मीडियन होगा। आपको इसका मतलब समझ में आ रहा है? 25 का मतलब क्या है? 25 के ऊपर और 25 के नीचे की फ्रिक्वेंसीज का जो सम है वो इक्वल होगा। यानी ये 25 क्या कर रहा है? हमारी सीरीज को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मीडियन का डेफिनेशन ही ये है। मीडियन यूज ही इसलिए करते हैं कि जब हमें पार्टीशन करना है दो बराबर भागों में। नाउ कंटीन्यूअस का कैसे निकालें? अगर हमारी सीरीज कंटीन्यूअस फॉर्म में गिवन है तो ये एग्जांपल है। अब ये क्या, ये हम देख रहे हैं कि हमारी जो सीरीज है वो कंटीन्यूअस नहीं है। हमें ऐसा दिख रहा है कि हमारी सीरीज कंटीन्यूअस है। आप देखिए 15 के बाद 16, 20 के बाद 21, यानी ये कंटीन्यूअस नहीं है। तो इस टाइप के केस में हम मीडियन को कैसे निकालते हैं? कोई बात नहीं, कंटीन्यूअस नहीं है तो हम इसको पहले अरेंज कर देंगे कंटीन्यूअस में। कैसे अरेंज करते हैं? आप डिफरेंस देखो कितना है दोनों क्लास के बीच में, वन, वन का डिफरेंस है ना। कुछ मत कीजिए, इस वन के हाफ को लोअर लिमिट में ऐड कीजिए और अपर लिमिट में, सॉरी लोअर लिमिट में सब्सट्रैक्ट कीजिए और अपर लिमिट में ऐड कीजिए। तो देखिए वन है ना डिफरेंस, 10.5 लोअर में सब्सट्रैक्ट किया, अपर में ऐड किया, लोअर में सब्सट्रैक्ट किया, अपर में ऐड किया, लोअर में सब्सट्रैक्ट किया, 20.5, 25.5 सब्सट्रैक्ट, 25.5, 30.5, 30.5, 35.5, 35.5, 40.5। आपने देखा मैंने किस तरीके से जो मेरी क्वेश्चन था वो अरेंज नहीं था और मैंने उसको अरेंज कर दिया। तो प्लीज़ आप लोग इस बात का ध्यान रखना कि कंटीन्यूअस है कि नहीं। अगर कंटीन्यूअस है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो पहले उसको अरेंज कर दीजिए, उनका डिफरेंस देख लीजिए, उस डिफरेंस के हाफ को अपर लिमिट में ऐड कीजिए और लोअर लिमिट में सब्सट्रैक्ट कीजिए। ओके, ये थोड़ा हम टॉपिक से भटक गए, हमारा टास्क ये नहीं था, हमारा टास्क था मीडियन को फाइंड करना। मीडियन कैसे फाइंड करते हैं? तो स्टेप फर्स्ट, अरेंज द डेटा, ऑलरेडी हमारा कंटीन्यूअस में अरेंज होता है। स्टेप नंबर टू, फाइंड द सम ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो मैंने यहाँ पे सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज फाइंड कर दिया, 40 आया। देन फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड की, 40 इज अ इवन नंबर ना, दैट्स व्हाई आई फाइंड एन बाय टू। तो 20th क्लास देखनी है, 20th क्लास कहाँ आएगी, 14 में नहीं, 23 में, क्योंकि 20 14 से ज़्यादा है। इट मीन्स दिस वन इज अ मीडियन क्लास, और हम जानते हैं कि मीडियन क्लास जो होती है, जो मीडियन क्लास है वो उसके करस्पॉन्डिंग जो डेटा की वैल्यू है वो हमारा कहलाता है मीडियन। ओके, हमने ये मीडियन क्लास सेलेक्ट की, उसके करिस्पॉन्डिंग डेटा की वैल्यू, अरे ये तो डेटा की वैल्यू है ही नहीं, ये एक इंटरवल है, लेकिन मीडियन तो यूनिक होता है। तो इस इंटरवल में हम कैसे मीडियन को फाइंड करें, इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ आप ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लेना। हम क्या करते हैं, हमें मीडियन क्लास मिल गई, इन टर्म्स को फाइंड करते हैं। एल, एल इज़ अ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, इट मीन्स 25.5। F, F is what? Frequency of median class, it means 9. Capital F, capital F is a total frequency of preceding of median class, it means this 14. This one is F and this one is small f. This one is L and I is what? Width of class, तो कितनी है width? 5, upper limit minus lower limit. Put all values in this formula. अब एक बात का ध्यान रखिएगा, mostly student mistake करते हैं, ये पूरा LCM मत लेना, ये LCM सिर्फ इतना है। ओके, और calculation हमेशा कैसे कीजिएगा, firstly solve this term, 20 minus 14, then after subtract 6, 6 into 5, 30, 30 upon 9, देन आफ्टर एड। तो कैलकुलेशन हमेशा ऐसे करेंगे, कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगी, फर्स्टली सब्सट्रैक्ट देन मल्टीप्लाइंग
देन डिवाइड देन ऐड. आप लिख लीजिए सब्स्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड. ये हमें क्या मिल गया, मीडियन. और यहाँ पे जो मीडियन की यूनिट है वो ईयर है, इसलिए मैंने ईयर लगा दी. और आप चेक भी कर सकते हैं ये जो मीडियन है वो मीडियन क्लास में लाइ कर रहा है. होपली आपको मेरा वीडियो पसंद आया. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बताइए कि ऐसे हम मीडियन को फाइंड आउट कर सकते हैं. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.